In this video lecture, I am going to discuss about the zinc oxide urinary impression pest, जिसे हम शॉर्ट में ZOE pest भी बोलते हैं। ठीक है, ZOE pest जो है rigid impression materials है। rigid impression material को divide किया गया है आपको impression plaster में, impression compound and zinc oxide urinary impression pest and impression wax में। चार जो है वो rigid impression materials हैं। ठीक है, तो जो जिंक ऑक्साइड रीजनल इम्प्रेशन पेस्ट है उसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे? सीमेंटिंग एंड इंसुलेटिंग मीडियम एज ए टेम्पररी फिलिंग मटेरियल्स एंड रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल में यूज करते हैं। सर्जिकल पैक इन पीरियोडेंटल सर्जिकल प्रोसीड्यूर एंड बाइट रजिस्ट्रेशन पेस्ट भी है। जो जिंक ऑक्साइड रीजनल पेस्ट है इसके अलावा मॉडलिंग वैक्स भी बाइट रजिस्ट्रेशन है, वो भी बाइट रजिस्ट्रेशन करता है। यानी तो टेम्पररी रिलाइनिंग मटेरियल फॉर द डेंचर एंड इम्प्रेशन फॉर इडेंचुलस पेशेंट, जिस पेशेंट में बिल्कुल भी टीथ नहीं है, अंडरकट्स नहीं है, उसमें हम इससे लेते हैं इम्प्रेशन। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ZOE पेस्ट? अकॉर्डिंग टू ADA स्पेसिफिक नंबर 16, बिकॉज द ZOE पेस्ट का जो ADA स्पेसिफिकेशन नंबर होता है वो 16 होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नंबर 16 के अनुसार देखेंगे तो टाइप 1 जो कि हार्ड होगा और टाइप 2 सॉफ्ट होगा। यहीं पे इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। फ्लो जो होगा वो 30-50 mm होगा टाइप 1 में, और टाइप 2 में होगा 20-45 mm, जो कि गुड फ्लो है, ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, अवेलेबल इन द टू पेस्ट सिस्टम, पहला है बेस पेस्ट और दूसरा होगा एक्सीलेटर पेस्ट। एक्सीलेटर पेस्ट जो है वो रेड कलर का होगा एंड बेस पेस्ट वाइट कलर का होता है। अगर हम बात करते हैं बेस पेस्ट का कंपोजिशन का, तो जिंक ऑक्साइड जो कि मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है 87% एंड वेजिटेटिव ऑयल होता है 30%। जो वेजिटेबल ऑयल है वो एज ए प्लास्टिसाइजर वर्क करता है। एंड एक्सेलेटर में बात करेंगे तो इसमें क्लोव ऑयल होता है जिसमें यूजनल होगा आपको 12%। ठीक है, एंड गम 50% होता है। गम का यूज क्या है? इंक्रीज इम्प्रूव होमोजेनेसिटी, यह होमोजेनेसिटी को इम्प्रूव करेगा। इसके बाद क्या आता है आपको? फिलर। फिलर जो है 20% है, जो कि सिलिका टाइप्स है। और लेनलोइन जो कि 3% है इम्प्रूव, सॉरी, उसके बाद है रेजिनस ब्लाम जो कि इम्प्रूव करता है फ्लो को और मिक्सिंग को। कैल्शियम क्लोराइड जो है एक्सेलेटर है जिंक ऑक्साइड यूजिनोल का। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है, कैल्शियम क्लोराइड और कलर जो कि 5% रहता है। इसके बाद देखेंगे सेटिंग रिएक्शन ऑफ ZOE पेस्ट का। जो ZOE पेस्ट रहता है वो एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन करके फॉर्म करेगा, चिलेट फॉर्म करेगा। ठीक है, जो चिलेशन फॉर्म होगा इसलिए इस रिएक्शन को नाम दिया है चिलेशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड चिलेशन। ठीक है, प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे जिंक यूजिनोलेट। सबसे पहले क्या होगा रिएक्शन में? ZnO को हम वाटर जब ऐड होगा उसके अंदर में तो ZnOH2 जो कि बेस में कन्वर्ट होगा, और बेस एसिड से रिएक्शन करेगा। एसिड जो है यूजिनोल है। ठीक है, जब ZnOH2 2HC से रिएक्शन कर रहा है तो हमें बन रहा है साल्ट जो कि जिंक यूजिनोलेट है, एंड वाटर रिलीज हो जाएगा इसमें से और हमें मिल जाएगा ZnE2। सेटिंग टाइम्स की बात करें तो उसमें टाइप 1 के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम है 3-6 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम है 10 मिनट्स। टाइप 2 के लिए 3-6 मिनट सेम है और फाइनल में डिफरेंट होता है 5 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट्स इसमें आएगा। देन हाउ टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम्स? ओके, फैक्टर कौन सा है जो कि सेटिंग टाइम को कंट्रोल करेगा? पहला है इसमें पार्टिकल साइज ऑफ जिंक ऑक्साइड पाउडर। पार्टिकल साइज अगर स्मॉल रहेगा तो सेटिंग टाइम लेस होगा। ठीक है, एंड वेरिंग द लेंथ ऑफ टू पेस्ट बट इज रिकमेंडेड नहीं है। अगर जो बेस पेस्ट है और एक्सेलेटर है उसको वेरी कर देंगे, किसी को कम कर देंगे, किसी को ज़्यादा कर देंगे, इस तरह से सेटिंग टाइम्स कम होगा, बट ये रिकमेंडेड नहीं माना जा रहा है। देन सेटिंग टाइम ऑफ डिक्रीज बाय जिंक एसीटेट ऐड कर देंगे या ड्रॉप ऑफ कुछ वाटर से ऐड करेंगे या एसिटिक एसिड ऐड करने पर क्या होगा? सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा।
मिक्सिंग टाइम अगर इंक्रीज करते हैं ज़्यादा देर तक मिक्सिंग करेंगे तो सेटिंग टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। सेटिंग टाइम डिक्रीज बाय कूलिंग मिक्सिंग स्लैब, जो कि इसमें ग्लास स्लैब यूज होता है, एंड स्पैटुला को कूल कर सकते हैं। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटार्डर यूज करेंगे या ऑयल या वैक्सेस यूज करके भी हम सेटिंग टाइम को कम कर सकते हैं। हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी एक्सलेट द सेटिंग टाइम्स। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो या प्रेशर हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर सॉरी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये डिपेंड करेगा सेटिंग टाइम पर, और इसे फास्ट सेटिंग टाइम मतलब कि जल्दी सेट कर देगा। प्रॉपर्टीज देखेंगे अब जेडोई का, ठीक है। जिंक ऑक्साइड इथेनॉल के प्रॉपर्टीज में पहला है फॉलो, जो कि हम बता चुके हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन नंबर 16 के अनुसार टाइप वन के लिए 30 to 50 mm दिया है और टाइप टू के लिए 20 to 45 mm है फ्लो। डिटेल प्रोड्यूस ये गुड डिटेल प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसका फ्लो है गुड फ्लो है इसलिए, ठीक है। स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अप्रोक्स में 7 MPa है फॉर 2 आवर आफ्टर मिक्सिंग। डायमेंशनी स्टेबल है, इसका श्रिंकेज 0.1% है, तो सॉरी 0.1% से भी कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल श्रिंकेज है, इसलिए ये डायमेंशनली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल्स है। बायोलॉजिकल कंसिडरेशंस में सम पेशेंट एक्सपीरियंस ए बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू द यूजनॉल। यूजनॉल जो कि क्लोव ऑयल है, इसलिए इससे कुछ पेशेंट में बर्निंग सेंसेशन होता है। ड्यू टू बर्निंग सेंसेशन टिशू में भी इरिटेट, ठीक है। अगर टिशू पेशेंट के इरिटेट हो रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रहा है, उसको रिप्लेस करेंगे हम नॉन यूजनॉल पेस्ट से। मैनिपुलेशंस ऑफ जेडोई पेस्ट, इसका मैनिपुलेशन सबसे ईजी है। सबसे पहले 2 एक्सलेटर बेस से सेम लेंथ और विथ का हम उसमें से स्क्वीज कर देंगे मटेरियल्स को, ठीक है, एक्सलेटर और बेस को दोनों को, देन मिक्स करेंगे आपको हम सर्कुलर मोशन में विद द हेल्प ऑफ द स्टेनलेस स्टील स्पैटुला से ग्लास स्लैब पर हमें मिक्स करना, और तब तक मिक्स करना जब तक यूनिफॉर्म कलर्स नहीं ऑब्जर्व हो जाए। यूनिफॉर्म कैसे होगा, जब रेड और वाइट मिलेगा तो ऑब्वियसली पिंक कलर से आएगा। मिक्सिंग टाइम 1 मिनट्स होना चाहिए। नोट, जेडोई पेस्ट के लिए आपको कस्टम ट्रे या स्पेशल ट्रे के रिक्वायरमेंट होता है, जो कि स्टेबल रेजिन से बना होता है, या फिर हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं ट्रे में प्राइमरी कंपाउंड इम्प्रेशन भी यूज होता है ट्रे में, ठीक है, इम्प्रेशन लेने के लिए जेडोई से। डिसइंफेक्शंस 2% ग्लूटाल्डिहाइड सोल्यूशन से करेंगे, रिमूव सलाइवा एंड द कंटामिनेंट्स, बिकॉज द डिसइंफेक्शंस में भी पेशेंट को कुछ डिजीज हो, HIV एड्स, वो डेंटिस्ट को हो सकता है, इसलिए हमें इसे डिसइंफेक्शंस करना जरूरी है। अबाउट 10 मिनट्स के लिए करते हैं, ओके। देन एडवांटेज की बात करेंगे इसमें, इट हैज इनफ वर्किंग टाइम टू कंप्लीट बॉर्डर मोल्डिंग, ओके। इट कैन बी चेक इन द माउथ रिपीटेड विदाउट द डिफॉर्मिंग, बिना डिटेल डिफॉर्म हुए इम्प्रेशन का हम इसे बार बार हम चेक कर सकते हैं माउथ में लगा के, ठीक है। देन इट रजिस्टर्स एक्यूरेट सरफेस डिटेल बिकॉज ऑफ द गुड फ्लो, इट इज डायमेंशनली स्टेबल एंड डज नॉट रिक्वायर्ड सेपरेटिंग मीडिया सिंस इट डज नॉट स्टिक टू कास्ट मटेरियल्स। कास्ट मटेरियल पे नहीं चिपकेगा, इसलिए हमें सेपरेटिंग मीडिया कोल्ड मोल्ड्स लगाने का ज़रूरत भी नहीं है इसमें। माइनर डिफेक्शन बी करेक्टेड लोकली विदाउट डिस्कार्डिंग ए गुड इम्प्रेशन, बिना पूरा इम्प्रेशन को तोड़े ही जो छोटा सा डिफेक्ट आ भी जाए इम्प्रेशन लेते वक्त, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ जेडोई पेस्ट, इट रिक्वायर्ड ए स्पेशल ट्रे फॉर इम्प्रेशन मेकिंग, ओके, स्पेशल ट्रे का जरूरत पड़ेगा इसको। जेडोई पेस्ट इज स्टिकी इन नेचर एंड एडहेर टू टिश्यू, सो एक डिसएडवांटेज है कि ये टिशू से एडहेर हो जाएगा ड्यूरिंग इम्प्रेशन, और जो इजनॉल इसमें रहता है वो बर्निंग सेंसेशन देता है, टिशू इरिटेट करेगा, ठीक है। देन इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग इम्प्रेशन ऑफ टीथ एंड अंडर कट एरिया एज इट इन इलास्टिक इन नेचर, सो इसको हम यूज नहीं कर सकते इधर इन अंडर कट एरिया हो, एडेंटुलस पेशेंट में यूज करेंगे, ठीक है, इसका डिसएडवांटेज है।